हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम आपके लिए एक दोबारा से एक्सरसाइज लेकर आए हैं, सेम चैप्टर से, आठवां चैप्टर, जिसके फॉर्मूले तो हमने कंप्लीट करवा दिए थे। अगर उनमें कहीं पे भी आपको डाउट है तो दोबारा कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं हमसे कोई भी क्यूरी है आपको। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 8.1 एक्सरसाइज है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री, एबी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रायंगल दी गई है, तो चलिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल आपकी बन गई ए बी सी। बी यहां पे राइट एंगल रखना है, दिया गया है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ए और सी क्या है, यहां पे 90 डिग्री से कम है, मतलब न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो और क्या दिया गया है, एबी 24 सेंटीमीटर। तो एबी साइड क्या है, 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बीसी दिया गया है यहां पर 7 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद हमारे पास एसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, एसी नहीं दिया गया। तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी जब भी हमें एंगल्स निकालने होते हैं यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, हमें तीनों साइड्स की जरूरत पड़ सकती है कहीं पे भी किसी भी चीज की, ठीक है ना। तो हमारे पास तीनों प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसी ट्रायंगल का थर्ड साइड और निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके आप एसी निकाल लेते हैं, मतलब कर्ण का स्क्वायर या कर्ण निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है पी, तो हमारे पास प्रेजेंट है पी, कितना है 24 सेंटीमीटर, सॉरी इसको पी नहीं कहेंगे, ठीक है, पी चेंज होएगा, परपेंडिकुलर चेंज होएगा अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। तो चलिए हमारे पास ये साइड है, ये साइड है और ये साइड हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर क्या आएगा यहां से पाइथागोरस लगाने के बाद, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये एसी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 चौका 96 और 24 2 48 और 9 57 576, ठीक है। ऐड करो इसको 9 7 16 और सॉरी 9 6 15 और 7 और 4 11 11 और 1 12 5 और 1 6 625 एसी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 625। तो एसी कितना आ गया, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 625, तो कितना आ जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एसी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन ए, क्या निकालना है साइन ए, साइन ए। तो यहाँ पे ए है तो परपेंडिकुलर क्या बना, ये बना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये आ गया और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बीसी बनेगा। यहाँ पे साइन ए क्या रहेगा, बीसी बाई एसी, इसका मतलब बीसी कितना है 7 और एसी कितना है 25, ओके। ये आपका साइन ए आ गया, ठीक है ना। उसके बाद कोस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोस ए में क्या रहेगा, कोस ए में देखिए, कोस ए का ये फॉर्मूला होता है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कहां पर कितना है, ए के सामने ही बेस है, ठीक है। कोस ए ले रहे हैं तो ये बेस कौन सा बनेगा, ये तो परपेंडिकुलर है बीसी, तो बेस कौन सा है, ये ए बी, ठीक है। तो ए बी बाई हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ठीक है। तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर और एसी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये आपका कोस ए आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से साइन सी और कोस सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये एंगल है तो अब परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, दोनों केस में ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या रहा है यहां पर, चलिए साइन सी किसके इक्वल होएगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ओके, और हाइपोटेनस क्या है, वही सेम ए बी बाई ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24
और AC की कितनी है 25, ओके। उसके बाद cos C, cos C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इसका, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हुआ ना, BC by हाइपोटेनस वही AC, तो क्या आएगा 7/25, तो ये आपके क्या निकल गए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आ गए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R गिवन ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये PQR ट्रायंगल दी गई है, इसमें PQ कितना है 12 सेंटीमीटर है और PR कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए क्या होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, तो यहां पर बेस नहीं दिया गया, अगर P निकालते हैं टेंजेंट P तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो बेस तो आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सीधा वही पाइथागोरस में लगा देते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस में हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, ठीक है, तो इसके स्क्वेयर में से इसका स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बड़ी हो जाए ना, ये कर्ण बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वेयर माइनस ये परपेंडिकुलर स्क्वेयर, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्या है, क्यू आर का स्क्वेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 का स्क्वेयर माइनस 12 का स्क्वेयर, कितना आ जाएगा ये, 13 का कितना होता है 169, ठीक है, और 12 का कितना होता है 144, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट 169 में से ये गया, कितने बच गए 25, तो 25 का रूट कितना आ गया 5, तो ये कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आ गई, ओके। तो चलिए टेंजेंट पी, टेंजेंट पी कैलकुलेट करो, टेंजेंट पी कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, क्यू आर बाई बी, बेस, बेस इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी क्यू, पी क्यू, तो क्या बन जाएगा, क्यू आर कितना आया 5 और पी क्यू कितना है 12, ओके। तो इसी तरीके से कोट आर निकाल लेते हैं, कोट आर, कोट आर किसके इक्वल बनेगा, ये कोट आर इसी का उल्टा होता है ना, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए आर निकालना है, तो आर यहां पे है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये बनेगा, बेस क्या बन गया, वही बन गया क्यू आर, तो बेस कितना बना क्यू आर, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना बना पी क्यू, ठीक है, तो क्या बना ये वही 5/12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, 5/12 माइनस 5/12 कितना आ गया 0, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दिया गया इफ साइन A3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए, ठीक है, तो साइन ए दे रखा 3/4, तो कैलकुलेट क्या करना है यहां पर, कोस ए और टेंजेंट ए निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ए दे रखा है तो ए बी सी मार्किंग करनी पड़ेगी ट्रायंगल, तो क्या करनी पड़ेगी ए बी सी, ओके, तो ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ए एंगल दिया गया है यहां पर, ए एंगल दिया गया है, तो साइन ए, सबसे पहले हम चलिए वो फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहां पे साइन ए कितना है 3/4, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ए यहां पर ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या गया यहां पे गया, ठीक है, तो कितना लेना पड़ेगा ये 3k, k हम लेते हैं कॉन्स्टेंट के लिए, ठीक है ना, तो बाकी
क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है ना नीचे वाला, तो ये क्या हो गया आपका 4k। ओके तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर हमें निकालना क्या है, कोस ए निकालना है। ठीक है तो कोस ए में देखिए बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस होता है बेस अपॉन, तो बेस निकालना पड़ेगा ना इस ट्रायंगल का, तो ये बेस बनेगा ए, ए अगर यहां पे ले रहे हैं तो ठीक है ना, तो ये निकालना पड़ेगा, ये वही पाइथागोरस अप्लाई कर दो इसके ऊपर भी। ठीक है तो एबी, एबी का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, ये एबी का स्क्वायर निकालना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है तो 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। ओके तो एबी कितना आ गया रूट ऑफ 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। ओके तो इस तरीके से 4 का कितना आ गया 16k स्क्वायर माइनस कितना हो गया ये 9k स्क्वायर। ठीक है तो 16 में से 9 गए, कितने रह गए यहां पे, चलिए ये 16k में से 9k स्क्वायर गया, कितने रह गए यहां पे 7k स्क्वायर। ओके अब इसका रूट निकालना है। ठीक है तो क्या आ गया ये 7 तो रूट के अंदर ही रहेगा और ये क्या k का k स्क्वायर का k आ गया। ठीक है तो ये हो गया आपका, यहां पे क्या लिख देंगे हम 7 रूट के, रूट 7 के। ठीक है तो अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, तो सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो सीधा पुट कर दो कोस ए निकाल दो। ठीक है तो कोस ए कैसे निकालोगे, यहीं पे निकाल लेते हैं कोस ए, कोस ए क्या रहेगा इसके अकॉर्डिंग बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या बना परपेंडिकुलर ये था तो बेस ये बना, तो कितना है रूट 7 के। ठीक है और हाइपोटेनस कितना है 4k, k से k काट दो यहां पे तो कितना आ गया रूट 7/4। ठीक है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है उसके बाद टेंजेंट a निकालना है, तो टेंजेंट a निकालने के लिए क्या करोगे, टेंजेंट a कैसे निकालोगे, टेंजेंट a में क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर a ये है तो परपेंडिकुलर ये 3k, कितना है 3k बाई बेस कितना है रूट 7k, रूट 7k k से k कट गया तो कितना आ गया 3/√7, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया गया गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है तो फाइंड आउट करना है फाइंड sin a एंड secant a। ठीक है तो वही हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, पहले इसको हम क्या कर लेते हैं इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है तो कैसे करेंगे, यहां पे 15 cot a इक्वल टू 8 है। ठीक है 15 को इधर उठा लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में ही। ठीक है तो क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। ओके तो अब इसके हिसाब से हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है काम कैसे, जो cot a होता है उसमें क्या होता है ऊपर क्या होता है बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट ए का उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना तो या 1/ टेंजेंट ए। ठीक है तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है तो बेस कहां पर लोगे, अगर ए यहां पर लेना है आपको या ए यहां पर लेना है तो बेस ये बनेगा, अगर ए यहां पर लेंगे तो बेस यहां पर बनेगा, तो ऊपर ही ले लेते हैं चलो ए बी सी। ठीक है तो कोट ए, ठीक है कोट ए तो परपेंडिकुलर यहां पे बन गया, कहां पे बन गया इस एंगल के सामने वाला, तो बेस कौन सा बन गया ये, तो बेस यहां पर क्या है 8, तो 8k लगा देंगे सामने। ठीक है उसके बाद परपेंडिकुलर क्या रहेगा, नीचे परपेंडिकुलर 15, ये 15 आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है तो चलिए अब हम क्या करना है, साइन ए निकालना है, साइन ए के लिए क्या निकालना है हमें, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी तो पाइथागोरस लगा देते हैं। चलिए
तो AC का स्क्वायर निकाल दो इसमें, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 8k का स्क्वायर प्लस में 15k का स्क्वायर, ठीक है। तो AC निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पूरे का रूट हो जाएगा। यहां से देखो इसका रूट स्क्वायर करो, 8 का कितना आ गया 64 और k का k स्क्वायर प्लस 15 का कितना आ गया, 15 का होता है 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 22, 225 के स्क्वायर, ओके। तो ये होता है, तो अब AC कितना आ गया, के स्क्वायर तो अगर अलग से निकालोगे तो के स्क्वायर का क्या आ गया, के और इन दोनों को ऐड करना कितना हो गया, 5 × 4 = 9 और 6 × 2 = 8, ठीक है, 2 × 2 = 279, ठीक है। 279 का कितना होता है, ये 17 का, ठीक है ना, 17 का, तो 17k, AC कितना आ गया आपका, 17k आ गया, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं 17k, ओके। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए, तो साइन ए निकाल दो, साइन ए यहां पे है, साइन ए परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, तो 15k है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 17k, ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है, मतलब BC बाई AC, तो K से K कट गया आपका कितना आ गया, 15/17, ये साइन ए आ गया। अब क्या निकालना है, सीकेंट ए, सीकेंट ए, सीकेंट ए के लिए क्या होता है, सीकेंट इसका उल्टा होता है कोस का, 1/cos A, ठीक है ना, कोस की वैल्यू ये है, तो एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, एच बाई बी क्या बनेगा, हाइपोटेनस क्या है यहां पर 17k, ओके। बेस कितना है, बेस क्या है, बेस तो ये था ना 8k, ठीक है, k से k कट गया यहां पर 17/8, तो ये सीकेंट ए आ गया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेकेंड थीटा 13/12, सेकेंड थीटा कितना दे रखा है यहां पे, 13/12, ओके। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी की वैल्यू, सभी रेशियोज की वैल्यू निकालनी है यहां पे, ठीक है, इन्हीं इसी के साथ। तो सबसे पहले हम सेकेंड को ही देख रहे थे, सेकेंड कैसे होता है, तो हमारा वही फॉर्मूला, पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो साइन के लिए कोस के लिए टेंजेंट, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, और ये कोट, टेंजेंट का उल्टा कोट, तो कोस वाला हो गया ये, ठीक है, कितना हो गया ये, एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, ओके। चलिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपकी ट्रायंगल आ गई, मान लो ए बी सी, ये थीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, थीटा, ओके, ये आपका थीटा आ गया, क्योंकि थीटा दे रखा ना यहां पे, तो सीकेंट थीटा, एच कहां पर हुआ, एच तो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस ऊपर कितना है 13, कांस्टेंट लगा लेते हैं के, ओके। बेस, बेस थीटा ये है, तो बेस यही होएगा ना, बेस कितना है यहां पर 12k, ओके। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी निकाल लेते हैं, कोस की, कोस की तो गिवन ही है यहां पे, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है, ठीक है। तो सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12, एंड कोस थीटा कितना हो गया, 12/13, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा, ओके, ये होता है। अब ऑल अदर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हाइपोटेनस तो है, बेस है, तो परपेंडिकुलर की यहां पे नीड पड़ेगी, ठीक है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हमारा पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, तो हाइपोटेनस में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे, हाइपोटेनस कितना है 13k का स्क्वायर माइनस 12k का
स्क्वायर और रूट कर देंगे और निकालना क्या है हमें AB, ठीक है। तो AB कितना आ गया, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, और माइनस 12 का 144, ठीक है। तो ये कितने बचे, 169 में से 144 के 25 और K का, ठीक है, तो 25 का भी निकल गया कितना 5, तो 5K वैल्यू आ गया हमें, कितनी आ गई 5K। तो सभी वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं। साइन के निकाल लो फटाफट, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या आया यहाँ पे 5K बाई हाइपोटेनस कितना है 13K, K से K कट गया कितना आ गया 5/13, ओके। उसके बाद कोस भी आ गया, सीकेंट भी है, अब निकाल लेते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5K, बेस कितना है 12K, K से K 5/12, ओके। उसके बाद क्या रह गया, कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा होता है, क्या होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13, तो कितनी होगी 13/5, ओके। और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा टेंजेंट का उल्टा कर दो, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू 1/tangent थीटा, टेंजेंट की वैल्यू कितनी थी 5/12, तो क्या हो जाएगी 12/5। तो साइन कोस की शुरू में निकालनी थी, टेंजेंट की और सीकेंट की दे रखी थी, और कोसिकेंट की और ये कोस की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।